बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ लैला निसार। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे माशरे में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और आज के प्रोग्राम का मकसद है कि आपको एक बीमारी से आगाह करना। निगलेरिया फॉलरी के बारे में आपने यकीनन सुना होगा, जो कि साफ पानी में एक जरासीम की सूरत में पाया जाता है, बल्कि खुद एक जरासीम है जिसकी जो एंट्रेंस है वो नाक के जरिए होती है। और ये ऐसी जानलेवा पैरासाइट है जो कि जैसे ही नाक के जरिए एंटर होता है आपके दिमाग पे कुछ इस तरह से काबिज हो जाता है कि आपकी जान ही ले लेता है। तो आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होंगी और उनसे हम पूछेंगे कि उनका क्या कहना है, ये बीमारी से, इस जरासीम से हम कैसे अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताती चलूँ तो निगलेरिया का पाकिस्तान में पहला केस 2008 में पाया गया था। तो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इससे किस तरह से हिफाजत करनी चाहिए और कराची में बहुत सारे केसेस निगलेरिया के हमें बढ़ते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं। साथ मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, जो कि फेलो ऑफ यूरोपियन बोर्ड भी हैं, डॉक्टर समर अल्ताफ पेचो। डॉक्टर समर, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में टाइम निकाला। तो डॉक्टर समर, आप इस बीमारी के बारे में क्या कहेंगे, ये जरासीम क्या है और लोगों को कैसे आगाह करेंगी आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे चांस दिया इस बीमारी के बारे में बात करने के लिए। आज हमारा मकसद है कि हम हाईलाइट कर सकें इस जानलेवा बीमारी के बारे में जिसको कहते हैं निगलेरिया फॉलरी। ये इसको कहते हैं ब्रेन ईटिंग एमेबा। ये वो जरासीम है, वो पैरासाइट है जो दिमाग को बिल्कुल दीमक की तरह खा जाता है। और ये हमारा, जैसे आपने बताया कि ये फ्रेश वाटर और जो जमीन, हमारे जो लेक्स हैं या हमारे जो घर के टैंकर्स हैं या कंटेनर, हमारे जो टंकियां हैं, वहां से ये पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर में आता है। और हमारे फौरन ही हम जब वजू करते हैं, खासतौर पे जब हम नाक में पानी डालते हैं या स्विमिंग पूल्स में जब हम जाते हैं, तो वहां से हमारे ब्रेन में अंदर जाता है। एक्चुअली एक हमारे दिमाग और नाक के बीच में एक छोटी सी, एक पतली सी एक शीट होती है जिसको कहते हैं क्रीपी फॉर्म क्रैक। ये जहाँ ये जब तक वहाँ पैरासाइट पहुंच जाता है तो आराम से दिमाग के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन कर देता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये फौरन ही 24 घंटे से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर पेशेंट को बिल्कुल आपके जो सिम्टम्स है, जैसे कि सर में जी, डॉक्टर साहब सिम्टम्स पे भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये साफ पानी में पाया जाता है, तो साफ पानी में पाए जाने के लिए क्या ये ह्यूमन एरर है, हमारी कोताहियां होती है कि हम पानी को साफ नहीं रख पाते हैं तभी उसमें पाया जाता है, या ये हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं इसको करने के लिए? जी देखिए, एक तो ये हमारा जो है वो अपना भी है और गवर्नमेंट लेवल पे भी है। जो हमारे पास कराची में खासतौर पे या पाकिस्तान में जो पानी आ रहा है इस्तेमाल के लिए, वो साफ और क्लोरीनेटेड नहीं है। क्लोरीन एक वो चीज होती है जो हमारे ये निगलेरिया फॉलरी को किल कर देती है। जो अनफॉर्चुनेटली हमारे वाटर जो है, जो हमारे इस्तेमाल का पानी है, जो हमारे स्विमिंग पूल्स में वाटर है, वो क्लोरीनेटेड नहीं है, उनको ट्रीट नहीं किया जाता। इसलिए हमारा ये अपना भी फर्ज है कि जो हमारे घर में टंकियां हैं, जैसे ही ये खासतौर पर समर सीजन में, गर्मियों में ज्यादा होता है, तो जैसे सीजन तब्दील हो तो हमें अपने घर पे जो टंकियां हैं अंडरग्राउंड या फोरहेड, उनमें उनको हमें साफ करके हमें उसमें क्लोरीन की टेबलेट्स देनी चाहिए, यूज करनी चाहिए, या क्लोरीन लिक्विड भी आता है, ब्लीच भी आता है, वो हमें करनी चाहिए। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं कि आप पहले भी जिक्र कर रही थी, लेकिन अभी तफसील में बताइएगा कि हम कैसे पहचाने के फला बंदे को जो है निगलेरिया है, और कितने फौरन बाद, कितने फौरन घंटों बाद हमें पता चलता है कि फला शख्स को जो है वो निगलेरिया हो चुका है। देखिए, इसके सिम्टम्स जो है वो जैसे आम गर्दन तोड़ बुखार होता है उसी तरह प्रेजेंट करता है। और ये सर में दर्द, उल्टी, दिल मतली, चक्कर आना, झटके पड़ जाना, मुंह का जायका तब्दील होना, और आपके जो है आपकी सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, नजर कमजोर हो सकती है, आंखों के अचानक से बिल्कुल नजर जा सकता है, या फिर इसकी मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन होती है। इवन ये जो है आपका आगे जाके कोमा और डेथ करा सकता है पेशेंट का। और इसके सिम्टम जो है 24 घंटे से लेके उसका इनक्यूबेशन पीरियड है कि 7 दिन के अंदर या 2 हफ्ते में, मैक्सिमम 9 डेज में बिल्कुल सिम्टम्स इसके पेशेंट के सिवियर हो जाते हैं। इसको डायग्नोज करने का ये तरीका
हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये निकलेरिया की वजह से है या कोई और गर्दन तोड़ बुखार है। हमें सिर्फ इसके पास्ट हिस्ट्री से पता चल सकता है कि पेशेंट ने कोई रिसेंटली फ्रेश वाटर में या स्विमिंग पूल में उन्होंने स्विमिंग या डाइविंग वगैरह की हो, या हमारा तो क्योंकि हम मुस्लिम से और डेली हमारा जो है वो नाक में पानी जाना ये तो होता ही रहता है ना, तो इसको हम ऐसे डायग्नोज नहीं कर सकते अंटिल एंड अनलेस कोई हमारा प्रूफ हो। और फिर हम अपनी इनकी जब तक इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे, इनके सिमिलर टेस्ट जाएंगे और ये इसका डायग्नोस हो तब तक, तो यानी ये कहा जा सकता है कि सिम्टम्स इसके इस कदर खतरनाक हैं कि इसका इलाज भी असर नहीं करता, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, इनका इलाज मुमकिन है लेकिन वो इलाज इतना 100% नहीं है और इसकी मोर्टेलिटी 99% मोर्टेलिटी है इलाज के बावजूद। ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि इसकी मॉर्टेलिटी रेट इसका क्या है, तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें इस बीमारी के हवाले से, इस पैरासाइट के हवाले से? जैसा कि ये बीमारी का इलाज मैंने बताया कि होने के बावजूद भी 99% मोर्टेलिटी है और दुनिया भर में अभी तक कोई इसकी वैक्सीनेशन नहीं आई। इसका इलाज सिर्फ हमारा हमारे बचाव के तरीके हैं, जैसे कि हम अगर अपने जो वजू के लिए पानी है या तो हम अपनी टंकियों को क्लोरीनेटेड कर दें या हम जो है अपना बॉइल्ड वाटर या मिनरल वाटर इस्तेमाल करें खासतौर पर वजू करने के लिए। और जब हम वजू करें तो हमारा जो पानी है वो नाक में बिल्कुल डीपली नहीं जाना, उसको इनहेल नहीं करना है, बिल्कुल हमें अंदर नहीं डालना। दूसरी बात ये कि अगर हम स्विमिंग वाटर में जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो पानी हमें हमारा क्लोरीनेटेड वाटर हो, उसमें हमें स्विमिंग करें, या अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं तो हमारा सर जो है वो स्विमिंग पूल में जो है वो हेड हमारा बाहर होना बाहर हो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। वॉन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।